वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे सो so, आज की मेरी वीडियो एम डी कैफ स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कल टेस्ट होने जा रहा है सो so, इस वीडियो में मैं आपको आपके साथ डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस इन ड्यूरिंग एम डी कैट सो इसमें मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी टू तो मैनेज एन एक्साइटी एंड टाइम ड्यूरिंग एम डी कैट so, सो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं ज्यूरिंग एम डी कैट एंड हाउ टू इग्नोर नेगेटिव थाट्स एंड फियर्स ऑफ फेलियर और ऑल पॉसिबल सबसे पहले ड्यूरिंग एग्जाम आप आप बहुत ज़्यादा एंगजाइटी आपको हो रही होती है आपको स्ट्रेस फील हो रहा होता है कि और जाने से पहले भी कि किस तरह का आपका पेपर होगा किस तरह के एम से यूज़ होंगे या आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सो so, आप अपनी एबिलिटीज़ पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए आपने दिन रात एक किया है एम डी कैड के लिए आपने बहुत मेहनत की है आप, आपने अपनी पूरी जान लगा दी आप जितना कर सकते थे वो आपने कर लिया और अब है आपका परफॉर्म करना कि आपने किस तरह अब ऐसा वक्त है कि आपने किस तरह परफॉर्म कर आपने अपनी एग्जायटी अपनी स्ट्रेस और अपनी नर्व्स पर किस तरह कंट्रोल करना है ड्यूरिंग एम डी कैट सो सबसे पहले मैं एग्जाइटी की बात कर रही हूँ सबसे पहले आप लोगों को इन होती है कि पता नहीं लोग कैसे होंगे या आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा होगा टीचर्स कैसे होंगे इन्वामेंट कैसा होगा और हमें गाइड किया जाएगा नहीं किया जाएगा इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी नहीं की ज, दी जाएंगी तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना छोड़ दें और आपने अपना पूरा दे दिया हंड्रेड परसेंट दे दिया है तो अब आपका टाइम है परफॉर्म करने का करके दिखाने का और अपनी नर्व्स को कंट्रोल करने का सो क्लोज योर आइज़ एंड imagine योर सेल्फ एट योर टेस्ट सेंटर test टेस्ट डे सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने अब अप अभी आप वीडियो देखें आप अपने आप को इमेजिन करें अपनी आइज़ को क्लोज करें और इमेजिन करें कि आप घर से जा रहे हैं आपने जो चीज़ें लेनी थी आपने अपने साथ रख ली हैं अपने पानी के बोतल रख ली हैं और एक पेन आप रख लिया अपने डॉक्यूमेंट्स या अगर कोई भी चीज़ आपने सी या कोई भी चीज़ आपने लेके जानी है वो अपने अपने पास रख लिया अब आप जा रहे हैं आपने आयतल कुर्सी पढ़ ली अब आप जा गए अब आप जा रहे हैं ठीक है और अब आप टेस्ट सेंटर पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अटेस्टेड और सब कुछ जो देखना दिखाना था वो आपने करवा लिया ठीक है अब उसके बाद आपने आप अपने एग्ज़ाम सेंटर यानी कि आप अपने क्लास या अपने हॉल जहाँ पर आपका रोल नंबर था अब वहाँ पहुँच चुके हैं आप वहाँ बैठे अब साढ़े दस बजे का टाइम है और आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आपने अपनी कौन सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है ड्यूरिंग टेस्ट ठीक है अब आपने इंस्ट्रक्शन ले ली हैं और अब आप अपना टेस्ट कर रहे हैं और अब आपने एग्जाम का एग्ज़ाम का जो डोर है दरवाज़ा है वो क्लोज़ हो चुका है और अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है ठीक है और आप अपना टेस्ट करें फिर उसकी कुछ देर बाद आपका टेस्ट ख़त्म हो जाता है और आप घर लौटते हैं ठीक है तो आप अगर पहले अभी इमेजिन कर लेंगे तो आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें होनी हैं तो यहीं से आपका स्ट्रेस ताकि जो जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो वो चीज़ें आपके लिए नई नहीं, नहीं होंगी ठीक है वो तो आपको पता होगा कि मेरे साथ ये पहले हो चुका है तो इस, इस तरह आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं इफ़ योर आइज ऑन द स्टाफ नॉट ऑन द स्टूडेंट्स अच्छा मैं आपको ये एडवाइस करूँगी जो सबसे पहली टिप है कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपने स्टूडेंट्स को नहीं देखना इंस्ट्रक्शन जब दे रहे होते हैं तो आप लोग स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं कि इनमें से कौन पास होगा या किस का एडमिशन हो जाएगा मेडिकल कॉलेज ठीक है या को, किस को कौन नहीं होगा या क्या मैं कर सकूँगा कर सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी क्या मुझे एम सी क्यूज़ आते हुँगी? क्या मैं टेस्ट क्लियर कर सकूँगी तो आपने बिल्कुल दूसरों को नहीं देखना स्टूडेंट्स को नहीं देखना आपने सिर्फ अपने स्टाफ पर नज़रें जमाए रखनी है उनकी इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुनना है आप स्टूडेंट्स को देखेंगे तो आप उनको देखकर ख़ुद भी परेशान होंगे ठीक है सो so स्टूडेंट्स को नहीं देखना और ना ही मैं यही और यही प्रेफर करूँ कि किसी से टेस्ट से पहले बातचीत ना करें कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है ये वो ठीक है आप न सिर्फ अपने आयतल कुर्सी पढ़ते रहें दरुज शरीफ पढ़ते रहें और इंस्ट्रक्शन के दौरान अपने स्टाफ पर आपने देखना है उनकी इंस्ट्रक्शन को गौर से सुनना है और फिर उस पर अमल करना है यू गोट थ्री थिंग्स टू मैनेज अब मैं आपके साथ वो तीन चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिनको आपने मैनेज करना है ठीक है टेस्ट के दौरान उनमें जो सबसे पहले है योर एम सी क्यूज़ यूर टाइम एंड योर स्ट्रेस सबसे मज़े की बात यह है कि ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं अगर आपका एम सी क्यूज़ आपके टाइम पर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेस कंट्रोल रहेगी आपको स्ट्रेस नहीं होगा यानी कि आपको आपको जो एम सी क्यूज़ अगर आप टाइम पर कर रहे हैं आप उस पर ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे मुश्किल नहीं है तो आपको स्ट्रेस नहीं होगी इस तरह आपकी स्ट्रेस भी कंट्रोल में रहेगी यू एन एम सी क्यूज़ योर टाइम डोंट गो विद द फ्लो फॉलो योर ओन सीक्वेंस अच्छा यहाँ पर मैं ये बताऊँगी कि जैसे कि पी एम सी ने बताया हुआ है कि जो ट्वेंटी परसेंट एम सी क्यूज़ होंगे वो ईजी होंगे और जो सिक्सटी परसेंट होंगे वो मॉडरेट होंगे और जो ट्वेंटी परसेंट होंगे वो टफ़ होंगे सो आपने उन सीक्वेंस के साथ नहीं जाना कि क्योंकि शुरू में अक्सर अका टफ़ एम सी क्यूज़ होते हैं आपको जो एम सी क्यूज़ आते हैं आप पे वो पहले सॉल्व कर लेने हैं ठीक है फॉर एग्जांपल आपको जो एम आते हैं तो वो आप एक मिनट में सॉल्व कर लेंगे या कोई एम एक ऐसा है जो आपको नहीं आता जो कि आपको इरीटेट कर रहा है क्योंकि एम पी ने बताया ट्वेंटी परसेंट जो एम होंगे वो टफ़ होंगे आप उसमें फंस जाएंगे और आप सोचेंगे उसके बेस निकालेंगे कि हम गए इसको कैसे सॉल्व करूँ हाउ टू सॉल्व इट ये मुझे सॉल्व नहीं हो रहा तो ये आपकी स्ट्रेस को इंक्रीज़ करेगा ठीक है सो so, आपने ऐसा नहीं करना आपने ऐसा करना है जो आपको एम सी क्यूज़ आते हैं और ऑब्वियसली जो आपने पढ़े होंगे जो आपको आते होंगे उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो आप एक मिनट के अंदर अंदर एम सी क्यू सोल्व कर लेंगे जब आप ऐसा करेंगे इसका जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपके आधा से ज़्यादा पेपर जैसे कि सिक्सटी परसेंट पेपर मॉडरेट होगा और ट्वेंटी परसेंट ईजी होगा तो आपका आधे से ज़्यादा पेपर सॉल्व हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में और जो थोड़ा सा पेपर जो ट्वेंटी परसेंट टफ है जो रह जाएगा उसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा तो वो आप इजिली सॉल्व कर सकेंगे ठीक है सो आई विल सजेस्ट यू कि जो एम आपको आते हैं डोंट गो विद द फ्लो डोंट गो विद द पेपर जो आपको आते हैं वो आप पहले सॉल्व करें क्योंकि उसमें आपका टाइम कम लगेगा आपका स्ट्रेस कम आपका आपको स्ट्रेस नहीं होगा ठीक है और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा आपको मोटिवेशन देगा ठीक है और इसमें आपकी स्ट्रेस आपकी एग्जाइटी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि आपके पास टाइम बच जाएगा आपका आधे से ज़्यादा पेपर सॉल्व हो चुका होगा अच्छा डोंट गो विथ द फ्लो अच्छा और ये आपको क्या देगा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन एंड एनर्जी अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे अच्छा अब जो हमारे पास जो आपको स्ट्रेस होगी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो किन किन पॉइंट्स पर आपको स्ट्रेस हो सकती है और आपने उन पर कैसे रिस्पोंड करना है तो सबसे पहले पी एम सी डिफ़िकल्टी स्केल जिस तरह मैंने आपको बताया ट्वेंटी परसेंट टफ एम से क्यों आप वहाँ बहुत इरीटेट होंगे उन टफ़ एम से कि आपने उनको कैसे सॉल्व करना है सो so आपको मैंने पहले बता दिया है कि आपने किस तरह सॉल्व करना है पहले इजीली जो एम सी क्यूज़ हैं वो इजीली सॉल्व कर दें कर दें ताकि आपका टाइम मैनेज हो जाए और आपका आधे से ज़्यादा पेपर सॉल्व हो जाए यू कुड सी डैट यूर एम यू एम सी क्यूज़ इज़ नो मोर अच्छा और इस बात से जो रिपीटर्स हैं वो ज़्यादा एग्री करेंगे कि आपने फॉर एग्जांपल एक एम सिक्यूज़ सोल्व किया था जो कि थोड़ा टफ़ था जो आपको नहीं आ रहा था उससे जो नेक्स्ट एम है उसमें उसका आंसर गिवन था क्योंकि कुछ ऐसे एम होते हैं जिसमें नेक्स्ट एम में उसका आंसर गिवन होता है या आपको वहाँ से थोड़ी हिंट मिल रही होती है तो आपको पता चल जाता है कि जो आपका पहला एम था वो गलत हो गया ठीक है और फिर आप उसे एक एम सिक्यूज़ को लेकर आप इतना परेशान हो रहे होते हैं इतनी स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि उसकी वजह से आपका बाकी का जो पेपर है वो आपका मिस हो जाता है या आपका बाकी का पेपर भी उस, उस एक एम से यूज़ की वजह से आप भी समझ के उस गलत कर दें ठीक है सो इस तरह नहीं करना आपने ये सिचुएशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अभी उनको लिख लें आप उनका आप देख लें कि अगर वो आपके ऊपर वो सिचुएशन आ गई तो आपने उस वक्त उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है बजाय सोचने के उधर बैठ के आपने उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है आपको पहले ही पता होना चाहिए यू कुड फिल रोंग बबल्स आप इन एंगजाइटी और स्ट्रेस में आप बबल्स को रोंग फिल कर सकते हैं सो इसलिए आपने अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है यू कुड फील डैट योर ब्रेन इज़ नॉट रिस्पोंडिंग और अगर आपको आप अगर ज़्यादा सोच रहे होंगे आप टेंशन ले होंगे आप अपना स्ट्रेस ले रहे होंगे आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे तो उस टाइम आपका जो दिमाग है आपका जो ब्रेन है वो कुछ टाइम के लिए आपको रिस्पोंड करना बंद कर सकता ठीक है या आप कहेंगे कि, कि मुझे इस एम सी उसको कैसे सॉल्व करना है मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा या मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रही कि मैं इसमें कैसे पुट करूँ मैं कैसे वैल्यूज़ आए ठीक है यू कुड सी डेट योर प्लान इज नॉट वर्किंग ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो प्लान बनाया है कि मैं पहले इस तरह जाऊँगा जाऊंगी मैं वहाँ ये करूँगा और मैं इस तरह अपना पेपर सॉल्व करूँगा और फिर मैं घर आ जाऊँगा शायद आपका प्लान गलत हो जाए अल्लाह ना करे कि ऐसा हो लेकिन ये सिचुएशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहले ही इन सिचुएशन को लिख लें इन इन पर आपने कैसे रिस्पोंड करना है ताकि आपको वहाँ आपकी स्ट्रेस आपका टाइम और आपका जो एम सी क्यूज़ का टाइम है और आपकी स्ट्रेस ये कंट्रोल रहे ठीक है ताकि लाइक अगर ये सिचुएशन आप पर हो जाए तो आपने इनको कैसे रिस्पॉन्ड कर ठीक है फॉर सी योर सेल्फ़ एंड मेक प्लान फॉर ऑल पॉसिबल सिचुएशन अपने आप को देखें और प्लान्स बनाएं कि आपने इन सारी पॉसिबल सिचुएशन पर कैसे रिस्पॉन्ड कर उस वक्त कैसे रिस्पॉन्ड कर ठीक है मैं आपको अगेन अगेन बता रही हूँ कि आपने अपनी पूरी मेहनत कर ली अपने अपने रात पूरी रात बैठ कर पढ़ाया आपने बहुत सारे आपने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं ठीक है आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स मिस किए होंगे स्पेशल इवेंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे लेकिन सिर्फ एम डी कैट के लिए अपने फ्यूचर के लिए आपने कुर्बानियाँ दी तो अपने आप पर यकीन रखें अपनी एबिलिटीज़ पर यकीन रखें और सबसे पहले अल्लाह ताला पर यकीन रखें अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करेंगे और नमाज़ पढ़ के जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ भी मुश्किल नहीं लगेगी आपका स्ट्रेस मैनेज रहेगा कंट्रोल रहेगा ठीक है और ये मत सोचें कि आप नहीं कर पाएंगे आप कर सकते हैं ठीक है और उसका इंशाल्लाह अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा आपको नेगेटिव थॉट्स एंड फ़ियर ओ फेलियर आपने इनको मैंने जिस तरह के बताया आपने इनको कंट्रोल करना है कि मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा और एक बात यह है कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कैलकुलेट किया होता है ठीक है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट का एम गलत हो गया और वो सोचेगा कि मेरे क्योंकि पॉइंट पॉइंट मार्क्स पॉइंट वन पॉइंट टू की वजह से एडमिशन नहीं होता तो क्या मेरा एडमिशन हो सकेगा वो यही सोचता रहेगा मेरे एक एम गलत हो गलत मेरे दो एम गलत हो गए तो क्या मैं मेरा एडमिशन हो जाएगा ये फेयर्स ऑफ थाट्स ये फेयर्स ऑफ फेलियर है इनको अपने अपने ऊपर हावी नहीं कर कीजिएगा ठीक है आप कुछ आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैलकुलेट करके गए होते हैं कि मैं मुझे इतने इतने एम सी क्यूज़ मैंने ठीक करूँगा तो तब मेरा एडमिशन हो जाएगा और वो उनको पता होता है कि अगर वो थर्टीन एम सी क्यूज़ करेंगे तो उससे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ तो उससे उनकी उनकी बिल्कुल एग्रीकेटर क्राइटीरिया पर फैक्ट नहीं पड़ेगा तो मैं ये नहीं कह रही बल्कि आप कैलकुलेट करके जाएं जरूर करके जाएं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके एक एम सी गलत हो गए तो आपने थर्टीन और रॉन्ग करने हैं ताकि आपका आपका वैसे भी एडमिशन हो जाना है अगर आपके थर्टीन रॉन्ग हो जाए मेरा कहने का मतलब हर गज़ ये नहीं है बल्कि आपको समझाना है कि आप अगर ये क्राइटेरिया या एग्रिकेट कैलकुलेट करके जाएंगे कि अगर आप कितने क्यूज़ रॉन्ग हो जाएंगे तो आपको स्ट्रेस आप स्ट्रेस नहीं लेंगे ठीक है और आपको लॉजिक मिल जाएगी एक और दूसरा इस तरह आप नेगेटिव थाट्स एंड फेलियर और फेलियर को कंट्रोल कर सकते हैं और मैं ये कहूँगी कि इन ऑफ प्ले नॉट टू लूज़ प्ले टू विन आपने यही सोच कर जाना है आप कर सकते हैं यू कैन डू इट और अल्लाह पर भरोसा रखना है और इन आप आप कर सकते हैं और आप करेंगे आपकी मेहनत रंग लाएगी ठीक है सो so, अब आपने बुक्स को बिल्कुल भी आपने पढ़ना नहीं है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने शॉर्ट टेबल्स बनाए थे वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं बुक्स को ना खोलें स्ट्रेस ना लें और अपने दिमाग की अपनी जो नर्व्स हैं उनको कंट्रोल में रखें और अपने अल्लाह ताला पर यकीन रखें ठीक है जो भी होगा वो आपके हक हाँ में बेहतर होगा बेस्ट ऑफ लक टू माई एम डी कैट डर्स एस्पायरेंट्स आप लोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स आप आप में एबिलिटीज़ हैं ठीक है अल्लाह ने आपको एक चीज़ के लिए चूज़ किया तो आपको वो मिलेगी जरूर सो बेस्ट ऑफ लक वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक आपका टेस्ट इन शाला अच्छा होगा इस वीडियो तक के लिए मेरे इतना ही था आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए